दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा आईटीआई में प्रवेश के संबंध में। तो ले चलता हूं गूगल पर और यहां पर टाइप करता हूं एमपी ऑनलाइन, क्योंकि एमपी ऑनलाइन पर ही आईटीआई के प्रवेश संबंधी जानकारी हमें मिलती है। और मैं सीधे एमपी ऑनलाइन का जो मेन पेज होता है उस पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो पेज है इसमें आपको नागरिक सेवाओं में जाते हुए यहाँ देखिए आप काउंसलिंग लिखा आ रहा है, इस काउंसलिंग पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर आईटीआई नाम से एक आपको बॉक्स दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यह है आईटीआई और इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने आईटीआई की वेबसाइट ओपन हो जाती है और डायरेक्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पर आईटीआई काउंसलिंग पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा डीटीएस काउंसलिंग, जॉब पोर्टल और आईटीआई एग्जामिनेशन एससीवीटी का यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। लेकिन हमें काउंसलिंग की जानकारी लेना है तो हम सीधे क्लिक कर देते हैं आईटीआई काउंसलिंग पर। अब देखिए आईटीआई काउंसलिंग पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर देखते होंगे आप, पहला ऑप्शन हमारे पास रजिस्ट्रेशन का मिल जाता है और स्टार्ट डेट जो होती है हमारी वह रजिस्ट्रेशन की 22 जुलाई 2021 से। यहाँ पर आप देखते होंगे लास्ट में जो लिखा हुआ है 8 अगस्त 2021 तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। इसी प्रकार त्रुटि सुधार की बात, यदि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई त्रुटि कर दिया है, गलती कर दिया है, तो उसके लिए सुधार 22 जुलाई से प्रारंभ हो जाएंगे और 8 अगस्त तक यहां पर सुधार किए जा सकते हैं। और भुगतान न किए गए रजिस्ट्रेशन या कब भुगतान की बात करते हैं हम यहां पे, यदि आपने फॉर्म भर दिया है और भुगतान नहीं किया है तो यहां पर आप 22 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक यहां भुगतान कर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं। क्या होता है बच्चे अक्सर करके पासवर्ड भूल जाते हैं और जब यदि पासवर्ड भूल जाते हैं तो वह पासवर्ड पुनः प्राप्त करने के लिए आप 22 जुलाई से ही पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जब तक आप चाहें जब आपको आवश्यकता है। रसीद यदि आपने नहीं निकाला है तो रसीद निकाल सकते हैं, द्वितीय प्रति जो होती प्रिंट ले सकते हैं, 22 जुलाई से यहां पर प्रिंट ले सकते हैं। इसी प्रकार प्रवेश शुल्क का भुगतान, सेकंड अलॉटमेंट सेशन की बात करेंगे हम यहां पर, तो प्रवेश शुल्क हेतु भुगतान 3 अप्रैल से 31 जुलाई तक यहां पर दिया गया है। ये सेकंड अलॉटमेंट सेशन 2021 के संबंध में यहां पे दी गई जानकारी। इस प्रकार से पूरा शेड्यूल है और इस समय सारणी के अनुसार ही आपको एप्लीकेशन लगाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। यह थी हमारी जानकारी। और देखिए यहाँ पर एक जानकारी और देंगे हम कि प्राइवेट आईटीआई ऑनलाइन काउंसलिंग भी यहाँ पे ली जाएगी, जिसमें यहाँ पे सीधा बताया गया है कि संस्थाओं या व्यवसायों की प्राथमिकता का क्रम यहाँ पे चयन करना होगा। 26 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक यहाँ पे डेट दी गई है। इसी प्रकार इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार जो कर सकते हैं वह 26 जुलाई यानी फॉर्म जब से भरे जाएंगे तब से 8 अगस्त 2021 तक यहाँ पे आप सुधार कार्य कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जानकारी। तो आप बिल्कुल कक्षा 10वीं पास हैं तो बिल्कुल फॉर्म भरना ना भूलें और फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि सर्वर में प्रॉब्लम भी आती है। इसे फॉर्म कैसे भरना है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिया गया जो आपको दिखाई दे रहा है, इस रजिस्ट्रेशन के आगे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, यह क्लिक हेयर पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ जो आवश्यक जानकारी दी गई है यह जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इसके बाद क्या आप 10वीं एमपी बोर्ड से उत्तीर्ण है, यदि आप एमपी बोर्ड से उत्तीर्ण है तो यहाँ के जो ऑप्शन आ रहे हैं इन ऑप्शन में देखिए हाँ और नहीं। यदि आपने एमपी बोर्ड से उत्तीर्ण किया है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, यदि आपने नहीं किया, दूसरे बोर्ड से किया है तो नहीं करेंगे। इसी प्रकार कक्षा 10वीं आपने किस वर्ष उत्तीर्ण किया है तो 2003 से पहले भी उत्तीर्ण किया है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और 2021 में पास किया है तो भी भर सकते हैं। तो आप 2021 में पास किए समझिए तो यहाँ पर 21 डालिए और अपना जो रोल नंबर है वह अंकित कर दीजिए यहाँ पे जो भी आपका है, और क्लिक डिटेल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं आप, तो आपकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी और उसी प्रकार हिंदी और अंग्रेजी में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम फॉर्म भर के भी दिखाएं तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको पूरा यहाँ पे फॉर्म भर के भी अगले वीडियो में बता देंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।